विकासखंड कोरबा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र ग्राम बुंदेली में जय मां मडरावरानी महिला समूह संचालित है, जिसकी अध्यक्ष गिरजाबाई श्रीवास, पति गोवर्धन श्रीवास, निवासी ग्राम बुंदेली पर समूह से जुड़ी महिलाओं ने पैसों का हेराफेरी कर आरोप लगाया है कि जिसके बावजूद समूह से जुड़ी सदस्य मंगलवार को थाना पहुंची और अध्यक्ष गिरिजाबाई श्रीवास पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। महिलाओं का कहना है कि अध्यक्ष के द्वारा हमारे साथ 2 लाख का धोखाधड़ी हुई है। महिलाओं का कहना है कि समूह का अस्तित्व नष्ट होने की स्थिति में है, अध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। महिला समूह की महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ दीदी बता, कहाँ नाम है तो और कहाँ का रहने वाला है? रामायण भाई श्रीवास है, ग्राम बुंदेली के रहने वाले। अच्छा बता, का समस्या लेके तुम यहाँ लाए हैं? अमन के ना 2020 में हम स्व सहायता समूह मड़वा रानी के नाम से, मतलब हम समूह नीति चलाते इसे समूह, तब हम लोन निकालते हैं तो पटा डाल रहे हैं, कम कम निकालते रहे हैं। और फिर दूसरा लोन निकाले हैं तो वहाँ 1 लाख तो फार्म दलो समरक्षक छा, अब बोली इसके 1 लाख निकला थे करके हम लोग धोखा से 2 लाख के फार्म डाली और हम लोग 1 लाख के धोखा हम साइन करवाई उन्हें, एक बार हम 1 लाख के धोखा में साइन कर दें। अब 1 लाख हम लोग ही तो उमा के 20,000 अपन निकाल ले लीस, 80,000 रुपये हमन पाते 10 रुपये तो उमा के 1 लाख रुपये लोहा, फिर बाद में वो फार्म डाले रही से हम लोग फर्जी साइन करवा के ओला अपन ले ली है। अब ओतर दिन हम 80,000 रुपये पटाएं और फिर छाप दे दें अध्यक्ष के हाथ में और पटा जाए हर महीना बाबू अध्यक्ष रही से वह तो ओकरे छाप में सब चीज़ सामान रही से रजिस्टर से लेकर सील से लेकर सब चीज़ रही से ओकरे कर तो हाथ में दें ना, वो कहे रसीद हम और करहावे कहे पटा के आए हो कहे हम पटा 1 साल तक पटाए ना कहीस के हो गिस पूरा कहीस, अब 10 महीना पटाए हमन 80,000 रुपये लता। अब ओतर दिन हम फुर्सत रहे हमन, अब वो 1 लाख पता नहीं कब के निकाल डाले रही सब हमर यह से साइन करवा के धोखा से। अब ओतके दिन के बाद मेरे इ महीना में 2 तारीख के हमारे कर नोटिस आई बैंक से, मतलब मैंने 2 लाख पैसा निकाले हवा और पटा नहीं हवा कह के हमन ला 2 लाख और 15,792 रुपये बता दें। हाँ तो ओकरे पर हम बैंक गए तो बैंक में पता कर शुरू के दिन वह छा रही से हमारे साथ में और वो चेक के मैंने जाना था किसे मैं 2 लाख रुपया है इसे कहीस, तो हमन बैंक वाला कर पूछे तो 2 लाख निकले है कहीस और पूरा यह निकाल के लिए स्टेटमेंट निकाल के लिए सर वहाँ के। तब फिर वाला हमन धर के वाला कहें बैंक वाला, तो बैंक वाला कहीस कि जाओ तुम केस कर दो कहीस, तो हमन यहाँ रामपुर चौकी में लिखवाए हमन तो रामपुर चौकी में 3-4 दिन हो कि साथ हमन और अध्यक्ष चल हमारे संग में कहा तो नहीं जान हम जब का कर लिए हमें खा दे हैं कहीं कहे, तो गाँव में पंचायत बुलाएं कोटवार सरपंच पंच सब आ रही हैं उप सरपंच हुआ तो मन के सामने हम बोली इसके हाँ 1 लाख निकाले हाँ गलती से निकाल डाले मन नहीं पता कहीं इसमें गलती है कहीं इसमें हाँ पटाऊँ इसे कहीं से, तो हाँ ओला कहें तो चल तो वहाँ का दे बैंक में कहें कि मैं पटाऊँ कह खरीद सा ले लेबे इसे कहें, तो ना हम नहीं जाओ कहे हमारे कर नहीं जाओ कहे जाओ मुर्काओ खाड़ी है कहे और पंच सरपंच मन के सामने में बोले कि हाओ मैं हाँ ले हूँ कहे आप ये आ जाइ सर आ जाइ सर तो उल्टा हमी मतलब फंसा दे था थाना में का कहत के 2 लाख निकाले रहे हैं ना 2 लाख ला सब कोई बहाते हूँ कहत कि अब हमने 1 करोड़ हम तो अनपढ़ गंवारन हमने अपन साइन के सिवा कुछ चीज़ नहीं जानी का काम करे बार लोन निकलवाए रहते हैं हमन इसमें बाड़ी बाड़ी लगा बन खुला रहे हैं कुल समूह में कई जन रहती है हमन तो अच्छा है अध्यक्ष के अध्यक्ष कहते हैं बुंदेली के रहने वाले कहाँ चाहते तुम हम तो कड़ी से कड़ी सजा मिले बस वही चाहत है ना हमारे वो 1 लाख जो निकाले हैं अपन चोरी से वो फटा चौकी में तुमन के रिपोर्ट लिखे थे नहीं लिखे सर अब वो कहीं सब के छानबीन हो बिना तुमन के रिपोर्ट नहीं लिखो कहीं सब अब महिला हम लोग पूरा फंसाए के चक्कर में हम लोग फंसाए थे ना उसमें